नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। सियासी एजेंडे को धार देने के लिए बीजेपी के लखनऊ के बाहर दूसरी बार कैबिनेट बैठक हुई। इसमें पहले भी 2019 में कुंभ के दौरान प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में पहले योगी के सभी मंत्रियों ने संगम में डुबकी लगाई थी और उसके बाद मेरठ से लेकर प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी। इस तरीके से अयोध्या में भी बैठक के पहले मंत्री रामलला के मंदिर जाकर दर्शन पूजन किए और उसके बाद कैबिनेट में अयोध्या और अन्य तीर्थ क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे पर एजेंडे पास हुए हैं। बुधवार शाम गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना क्षेत्र में कुमार विश्वास के काफिले में शामिल सुरक्षा कर्मियों और डॉक्टर के बीच हुए विवाद और मारपीट पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कवि कुमार विश्वास की निंदा की है। आईएमए वेस्ट गाजियाबाद के अनुसार रोडरेज के चलते ये घटना हुई है और परिचय देने के बावजूद एक डॉक्टर की पिटाई की गई। घायल डॉक्टर को छोड़कर कुमार विश्वास वहां से चले गए। उनका ये व्यवहार निंदनीय है। इस मामले से डॉक्टर्स नाराज हैं और करीब 18,000 डॉक्टर साथी के समर्थन में हैं। आईएमए के प्रदेश सचिव डॉक्टर बीबी जुंदल ने कहा कि कुमार विश्वास के सुरक्षा कर्मियों द्वारा डॉक्टर पल्लव वाजपेयी के साथ की गई मारपीट निंदनीय है। किसी व्यक्ति को महज इसलिए मारा जाए कि वो कॉन्वॉय को निकलने की जगह नहीं दे पाए, ये बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि मामले में कुमार विश्वास का हस्तक्षेप न करना और डॉक्टर को छोड़कर वहां से चले जाना और भी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कुमार विश्वास का नाम तब तक नहीं लिया जब तक कुमार विश्वास ने इस मामले में आरोप नहीं लगाए। आईएमए ने कुमार विश्वास की भाषा पर भी नाराजगी जताई है। आईएमए ने इस मामले में कुमार विश्वास से घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है। साथ ही आरोपी सुरक्षा कर्मियों पर दंडात्मक कार्यवाही की भी मांग की गई है। यही नहीं, डॉक्टर की चोटों के मुताबिक मुकदमे को धारा में तरमीम करने की भी मांग की गई है। गाजियाबाद के ट्रांसमिंडन क्षेत्र में कुमार विश्वास, डॉक्टर कुमार विश्वास जो सुप्रसिद्ध कवि हैं, उनके कॉन्वे के साथ एक गाड़ी साथ में चल रही थी जिसको लेकर उनका जो कॉन्वे है वो वहां पर रुकता है और साथ ही साथ वो कॉन्वे रुककर वो जो डॉक्टर वहां से निकल रहे थे उनके साथ बदतमीजी होती है, उनके साथ मारपीट की जाती है उनके गार्ड्स द्वारा। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था, किस तरीके से था, उनकी धर्मपत्नी हम उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ पूरा क्या स्थिति है इस समय डॉक्टर साहब की, मैम क्या स्थिति है इस समय डॉक्टर साहब की और क्या कुछ घटनाक्रम था उस समय का? हड़ताल पे भी जा सकते हैं डॉक्टर साहब, अभी हॉस्पिटल फ्लोरिस हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, दर्द से पीड़ित हैं, इलाज चल रहा है, कुछ टेस्ट हुए हैं जिससे ये देखा गया है कि उनकी थोड़ा सा हेयरिंग लॉस प्लस विजन लॉस नोटिस हुआ है। बाकी रिपोर्ट सभी आने बाकी है, उसके आने के बाद ही पता चलेगा और क्या क्या हुआ है, लेकिन देखते हुए जिस तरह से उनको मारा गया है उससे रिपोर्ट आने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरह की चोट है। अभी आप डॉक्टरों का क्या आगे का प्लान है, किस तरह से रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि जो धाराएं लिखाई गई हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें नाम जब नहीं है, अज्ञात लिखा गया, तो आप लोगों की क्या कुछ मांग है? उसमें नाम आने चाहिए, जो जो नाम जो जो लोग सामने थे उन सबके नाम आने चाहिए, क्योंकि वो अनजान नहीं, वो कुमार विश्वास की ही सिक्योरिटी थी और जो कुछ हुआ है वो उनके कहने पर हुआ है, ऐसे नहीं कोई करता। सिक्योरिटी कुमार विश्वास की थी तो कुमार विश्वास इसमें शामिल है। तो हमारे साथ देखिए उनकी धर्मपत्नी थी डॉक्टर पल्लव की, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, उनसे भी दो मिनट बातचीत चलना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कुछ घटनाक्रम था कल का और किस तरीके से आप इस पूरे घटना को देख रहे हैं, क्या रणनीति है आगे? देखिए, ये सिंपल एक रोडरेज का केस था और रोडरेज करने वाले ही अब राजा बने घूम रहे हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, गलती सामने वाले की थी, आपने पिटाई भी की और ऊपर से रिपोर्ट भी लिखा दो, बहुत ही गलत है। इस तरह से तो उत्तर प्रदेश में जंगल का राज हो जाएगा। हम लोग यूपी पुलिस, डीजी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी से अनुरोध करेंगे कि इस पर एक अपने संज्ञान में मामला लेके एक अच्छा एक्शन लें। आप देखिए, कुमार विश्वास जी ने आज माफ़ी भी मांगी है, उनके जानकारी में सब चीज़ है, लेकिन उसकी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो आपको भी शर्म आ जाएगी किस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है। बौना, कुंठित और कुपित लोग खुद कुंठित हो गए, इसलिए वो हम लोगों को भी कुंठित कह रहे हैं। इस समय डॉक्टर जो पल्लव हैं उनकी स्थिति क्या है और डॉक्टर्स क्या कुछ बता रहे हैं, उसके आधार पे जो रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से किस तरह से आप देख रहे हैं मुकदमा आगे किस तरीके धाराओं में बढ़ेगा आगे, क्योंकि अज्ञात हैं अभी लोगों जो अज्ञात के तौर पर है, किस तरीके से आप मुकदमे में दम देखना चाह रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि ये नामजद रिपोर्ट, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि वो तो सब रिफाइंड लोग हैं, सब सिक्योरिटी गार्ड थे कुमार विश्वास जी के, तो नामजद रिपोर्ट हो और उसमें जो ये ग्रीवियस इंजरी वाली धाराएं उसमें लगाई जाएं ताकि आगे के लिए न्याय मिल सके।
तो देखिए किस तरीके से जो कल घटना हुई है कुमार विश्वास के जो कॉन्वॉय ने डॉक्टर पल्लव के साथ जो मारपीट की है उसको लेकर सारा डॉक्टर समूह यहाँ पर एकत्र हुआ है और यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसमें खासतौर पर बताया गया है कि पुलिस जो अज्ञात व्यक्ति है उनके खिलाफ नामजद किया जाए, क्योंकि डॉक्टर कुमार विश्वास ने जिस तरह से ट्वीट किया उसके बाद से ही समझ में जो डॉक्टर पल्लव है उनको पता चला कि कुमार विश्वास की गाड़ी है। हालांकि डॉक्टर पल्लव को पहले नहीं पता था कि ये गाड़ियाँ जो यहाँ से कॉन्वॉय निकल रहा है आखिर किसका है। गाजियाबाद से प्राइम टीवी के लिए प्रवीण मिश्रा। बांदा में मेडिकल कॉलेज से लापता महिला का शव बरामद हुआ है। महिला बुधवार से लापता थी और लापता होने के बाद से ही परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। आपको बता दें कि गर्भवती महिला को 3 नवंबर को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। बच्ची को जन्म देने के बाद वो 8 तारीख को अचानक लापता हो गई थी। महिला का शव मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही मिला। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरदोई के लोनार कोतवाली इलाके में 15 साल की बालिका को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप का मामला सामने आया है। रेप के बाद आरोपी ने उसका वीडियो बनाया और 2 महीने तक वीडियो के सहारे उससे रेप करता रहा और कुछ दिन पहले आरोपी ने वीडियो वायरल की धमकी भी कर दिया और इसके बाद उसने वीडियो वायरल भी कर दिया। पीड़िता के भाई का आरोप है कि पुलिस ने FIR नहीं दर्ज की। पीड़िता के भाई ने SSP के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के भाई का आरोप है कि विपक्षी और उसका परिवार झगड़ालू है और उसकी बहन को जान का खतरा भी है। SSP दुर्गेश सिंह ने मामले में कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। लड़की पड़ोस की टहलने आई थी तो उसके घर गए, जब उनकी मम्मी ने लड्डू खिलाए तब लड़का वहीं बैठा था और जब मेरे साथ गलत काम किया तब उसने वीडियो बना ली। तब हमने कहा किसी को बताएंगे हम, तब कहने लगे कि अगर किसी को बताया तो वीडियो ये सबको दिखा देंगे। और जब थाने गए तब थाने में कहने लगे कि यहाँ नहीं मुकदमा होगा। एक बालिका है 15 वर्ष की, उसके भाई द्वारा ये तहरीर प्राप्त हुई है, दी गई है थाने पे कि उसकी बहन के साथ पास का ही एक युवक है जो 2 माह पूर्व उसके साथ दुष्कर्म किया और ये भी आरोप लगाया है कि उसने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया है। तहरीर प्राप्त करके इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पीड़ित का मेडिकल कराया जाएगा और वायरल वीडियो के संबंध में भी जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो पीड़िता का आरोप है उसको थाने से भगाया गया, इस संबंध में भी अगर आरोप है तो सत्यता की जांच करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव में मिशन शक्ति के तहत DM ने छात्र छात्राओं से संवाद के लिए बाल संवाद पाठशाला का आयोजन किया। संवाद पाठशाला में DM ने सैकड़ों छात्रों से सीधे संवाद कर करियर निर्माण के टिप्स दिए। साथ ही DM ने सरकार के हेल्पलाइन नंबर व योजनाओं को छात्र छात्राओं से साझा भी किया। छात्र छात्राओं ने भी DM से सीधे बातचीत की और आगे बढ़ने के लिए टिप्स लिए। DM ने छात्र छात्राओं के साथ सेल्फी लेकर उनका हौसला बढ़ाया। DM ने समय के सही उपयोग को सफलता का मूल मंत्र बताया है। मिशन शक्ति फेज 4 के अंतर्गत बाल संवाद कार्यक्रम जो है वो आयोजित था। मिशन शक्ति में के अंतर्गत हम लोगों के द्वारा यहाँ पर विभिन्न कॉलेजेस की बालिकाएं, बच्चे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तो उनको ना ही केवल जो संचालित हमारे स्कीम्स हैं परंतु शिक्षा क्षेत्र में सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किस प्रकार से उनकी जागरूकता इत्यादि के संबंध में, उनके करियर काउंसलिंग के संबंध में उनसे बाल संवाद के रूप में उनसे स्थापित किया है कि वो जीवन में निडर होकर निर्भीक होकर के आगे अपने जीवन को और सार्थक बनाए। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।